नमस्कार, मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की रणनीति के निर्धारण के लिए गठित मंत्री समूह के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरक्षण मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रदेश के कई शासकीय कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस मामले पर बनी समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरा प्रयास रहेगा कि सभी पक्षों को साथ लेकर ऐसा हल निकाले जिससे सभी वर्गों को न्याय मिल सके। दिन में 82 नए मामले, इन जिलों में बढ़े केस, सीएम बोले चिंता का विषय। मध्य प्रदेश में कोरोना के दिन पर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, शिवराज सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल इंदौर के बाद जबलपुर उमरिया के आंकड़ों पर चिंता जताई है और कहा है कि तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और केरल में लगातार केस बढ़ रहे हैं, किसी से स्थिति छिपी नहीं है। मध्य प्रदेश में भी पिछले 2 सप्ताह में केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। त्यौहार आने वाले हैं, ऐसे कार्यक्रम करें कि संक्रमण ना फैले। मध्य प्रदेश के हितग्राहियों के खाते में सीधे भेजी जाएगी राशि, मंत्री ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश की प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। सोमवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में सीधे राशि भेजे। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी राहत, शिवराज सरकार ने की है बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल शिवराज सरकार ने पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को किस तरह पदोन्नति दी जा सकती है इसके विकल्पों पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद विचार कर यह प्रस्ताव अनुशंसा सरकार को भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मई 2016 से पदोन्नति पर रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा डीए का लाभ, बढ़ेगी सैलरी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के कर्मचारियों को जल्द ही केंद्र के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ते की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए शिवराज सरकार कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई और राहत भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में उछाल आएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने सीएमओ कार्यालय प्रस्ताव भेजा है। इसके सरकार पर 350 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने दिए अहम निर्देश, जनता से किए ये आह्वान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं। साथ ही जिला स्तरीय, विकास खंड स्तरीय, ग्राम स्तरीय और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य जन जागरूकता बढ़ाने की योजना पर मिलकर कार्य करें। मुख्यमंत्री शिवराज सोमवार को मंत्रालय में मंत्री परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में विभिन्न स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्य और जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। अब सरकारी फाइलों को लगेंगे पंख, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। गुड गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान अनौपचारिक चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी फाइल अब अधिकारियों या मंत्रियों के पास 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाएगी। काम की गति तेज करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। फाइलों के संबंध में हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में सैद्धांतिक रूप से अब यह निर्णय लिया गया है। भोपाल और इंदौर को सिंधिया ने 2 बड़ी सौगात दी है, होगा ये फायदा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल और इंदौर को बड़ी सौगात दी है। एयर कार्गो के संचालन की क्षमता को बढ़ाने के लिए हवाई मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य योजना बनाई गई है, जिसके चलते अब भोपाल और इंदौर दोनों ही शहर दिसंबर 2022 तक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। भोपाल और इंदौर के हवाई अड्डों पर घरेलू एयर कार्गो के संचालन की क्षमता को बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण कार्य योजनाएँ बनाई हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की बड़ी घोषणा, छात्रों को मिलेगा लाभ। नए शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेज में रामचरितमानस और वेद पुराणों की शिक्षा के फैसले के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ी घोषणा की है। आज हिंदी दिवस के मौके पर सारंग ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में अब चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी में होगी, पूरा कोर्स हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। जल्द ही इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, ये एक मॉड्यूल को तैयार करेंगे। कमेटी के सुझाव के आधार पर ही पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार किया जाएगा।
स्टेट हाईवे पर फिर लगेगा टोल टैक्स, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के 4 स्टेट हाईवे पर अब फिर टोल टैक्स लगेगा। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के तहत आने वाले हाईवे सागर दमोह बीना खिमलासा मालथौन महूघाटा बिल्लौद और भिंड मिहोना गोपालपुरा मार्ग पर टोल टैक्स लगाने को मंजूरी दे दी है। सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर मोहर लगाई गई। बैठक में प्रदेश के अन्य अहम मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इनमें निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मुफ्त इलाज समेत उच्च न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को नियमित ज्वाइनिंग के वक्त 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरने की शर्त जैसे अहम भी मसले शामिल हैं। तो ये थी आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।